बच्चों हमने स्टार्ट की है टेस्ट सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम में 100 परसेंट आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेगी और इसमें जो बहुत सबसे सिंपल इजी लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स जो कैरी करता है चैप्टर आर एनवायरमेंट हमने स्टार्ट किया है एक्यूमलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आर बॉडीज कैन बी एवॉइड एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अचीवड जैसे मैंने आपको बोला था कि ह्यूमन तो टॉप मोस्ट फूड चेन में आता है तो जैसे जैसे आगे बढ़ती है फूड चेन बायो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होता है हार्मफुल जो प्रोडक्ट है वो जो अपर मोस्ट ऑर्गन्स हैं उनमें ज्यादा होता है तो हमको इससे कैसे हमें इसको रोकना चाहिए तो चलिए हम देख लेते हैं एक्यूमलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स आर कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन बायो मैग्निफिकेशन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस और ये हमारे बाय, जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनको हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं इट नॉट बी टोटली अवॉइडेड इन आर बॉडीज बट इट कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड हम पूरी तरह तो इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन लेके इनको कम जरूर किया जा सकता है फर्स्ट है बाय अवॉइडिंग टॉक्सिक केमिकल पेस्टिसाइड्स इसीलिए आजकल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने नाम सुना है ऑर्गेनिक मेन्यूज का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं जिससे केमिकल पेस्टिसाइड्स को अवॉइड किया जाए सेकेंड है वी शुड चूज फिश वाइजली एज मेनी कंटेंट टॉक्सिन आपको पता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में भी टॉक्सिन होता है एसिड रेन है और बहुत सारे रीजन्स है तो हमें बहुत केयरफुली उनको लेना चाहिए नेक्स्ट है वी कैन ईट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड वी शुड ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बिफोर यूज यूज ये क्लियर है आपको इसका आंसर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वॉट आर द प्रॉब्लम्स कॉज बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट जनरेट आंसर मैं क्विकली पढ़ देती हूँ दिस सब्सटेंसेस मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक्स पॉलिथिन मेटल आर्टिकल्स Cannot be decomposed by microorganisms. They may enter the food chain at the upper tropic level. They may escape to the groundwater and make soil infertile and disturb the pH balance of the soil. As the quantity increases, dumping becomes a problem. They convert the land into barren land. पीपल शुड अडोप्ट फॉलोइंग प्रैक्टिस डिस्पोज हाउस होल्ड वेस्ट केमिकल वेस्ट एंड हॉस्पिटल वेस्ट इन अ लैंड फिल ब्रोकन प्लास्टिक बकेट्स कप्स शुड बी सेंट टू रीप्रोसेसिंग फैक्ट्रीज तो इस तरह से हम इसको रोक सकते हैं चलिए अब जो मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ंड्रेड परसेंट आता है हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन हाउ इट इज फॉर्मड इन द अपर एटमॉस्फेयर व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड हाउ डज इट अफेक्ट ऑन इकोसिस्टम मैं वन बाय वन इसके पार्ट में है क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देती हूँ एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ओजोन या आपको साइंस में ज्योग्राफी में सभी में यह आता है ये ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है हमारा ओजोन इट्स मोलिक्यूल मोलिकुलर फॉर्मूलागेनिक ब्लू पेल अनस्टेबल गैस फॉर्मड इन द अपर एटमोस्फियर इट इज अ डेडली पॉइनस गैस आप देख रहे हैं मैंने रिएक्शन आपके लिए लिखी है आप पहले समझिए ऑक्सीजन जो है अपर एटमोसफियर में सन की यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब कर लेता है और आप देख रहे हैं दो ऑक्सीजन एटम के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है ये जो ऑक्सीजन एटम है सिंगल एटम जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं ये जो सिंगल एटम है ये अनस्टेबल होता है ये सिंगल एटम इमिजिएटली अपर एटमोसफियर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओ ओजोन बना लेता है इट इज फॉर्म्ड एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोसफियर बाइ अल्ट्रालेट रेडिएशन विच स्प्लिट मॉलिकुलर ऑक्सीजन इंटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स इट कम्बाइन्स विदिक्यूल ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन तो ये ओजोन कैसे बनती है आपको क्लियर हो गया है चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं ओजोन लेअर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज इट शील्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन ऑफ द सन सन की जो यूवी रेडिएशन है ओजोन ऊपर ओजोन का एक ब्लैंकेट बन जाता है तो जो ओजोन है ये अपर एटमोस्फियर में ही रह जाती है ये हम तक नहीं पहुंच पाती सन की अल्ट्रा वोलेट रेज हमारे लिए बहुत हार्मफुल है तो इस तरह से ओजोन हेल्पफुल होता है आगे देखते हैं हम ओजोन डिप्रीशन क्या होता है वेन क्लोरिन एंड ब्रोमिन एटम्स come into contact with ozone in the stratosphere they destroy ozone molecules it can be destroyed more quickly certain सर्टन हार्मफुल केमिकल्स सबसे मेन रीजन आज का यही है सी एफ सी एस क्लोरोफ्लोरोबन आर रिलीज इन टू एयर आपको पता है जो कूलेंट है हमारे रेफ्रिजरेटर से जो निकलता है क्लोरोफ्लोरोबन ये ऊपर जाता है एटमोसफियर में और ये ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन को ब्रेक कर देता है अब आप देखिए दीज एक्यूमुलेट इन द अपर एटमोसफियर एंड रिएक्ट विथ ओजोन रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ द ओजोन लेयर बाय फॉर्मिंग अ होल ये ऊपर जाके रिएक्ट करता है ओजोन लेयर को बहुत थिन 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 करता जाता है जिसे हम ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल कहते हैं ओजोन लेअर बिकम थिनर एंड गेट्स डिप्लीटेड अलाउिंग मोर अल्ट्रा वोलेट रेस टू पास थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर अपर एटमोसफियर में ओजोन का ब्लैंकेट थिन होता जाएगा तो उससे क्या होगा जो यूवी रेस जो ऊपर ही है वो धीरे 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 नीचे आती जा रही है और जो हमारे लिए बहुत हार्मुल है डीज रेडिएशन मीन्स अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन आर डेंजरस दे कॉज स्किन कैंसर डैमेज टू आइज कैट्रैक्ट आजकल आप जो देखते हैं छोटी एज में क्या ट्रैक हो जाता है इसका मेन रीजन ओजोन लेयर डिप्लीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये क्लियर हो गया है चलिए ये इसके एग्जाम में आने के इसके एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वाइडेट यूनाइटेड नेशन एक्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी एफ सी एस जरेटर्स इसका आंसर है ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन ले रेडिएशन रीचेज द अर्थ दीज यू वी रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर डैमेज टू आईज एंड इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स दे फो यूनाइटेड नेशंस ट्राई टू फ्रीज सी एफ सी प्रोडक्शन क्लोरो फ्लोरोबन का प्रोडक्शन आजकल उसको बंद कर दिया है The refrigerators release CFCs (chlorofluorocarbon), which is one of the cause of depletion of ozone layer. aajkal isko rok diya आजकल इसको रोक दिया है आजकल कोई भी रेफ्रिजरेटर के अंदर isko यूज नहीं करते इसको हमने रिप्लेस करके कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस से केमिकल रिप, से रिप्लेस कर दिया है जिनका इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोजिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ पॉलिथिन बैग्स जेस्ट टू ऑल्टर आप सबको पता है और एज अ स्टूडेंट और हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने पॉलिथिन बैग्स को नहीं यूज करना है आपको इसका रीजन पता है क्योंकि ये हमारे कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है चलिए मैं इसका आंसर क्विकली पढ़ देती हूँ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग पॉलिथिन बैग्स फर्स्ट है इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर सेकेंड है एडवर्स अफेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थर्ड है एनिमल्स डाई आफ्टर इट्स कंजम्शन नेक्स्ट है इट कॉज क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स विच कॉज फ्लड ड्यू टू अबाव रीजन गवर्नमेंट हैज बैन बिकॉज पॉलिथिन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल अब इसके ऑल्टरनेटिव क्या ऑल्टरनेटिव आर क्लॉथ बैग्स जूट बैग्स पेपर बैग्स हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल They don't pollute the environment and can be reused. ये आपको क्लियर है ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। How can you help in reducing the problem of waste disposal? We can help in reducing the problem of waste disposal by the following methods. First, by separating biodegradable substances from non-biodegradable substances. Second है बाई रिड्यूसिंग री यूजिंग ये थ्री आर है बाई रिड्यूसिंग री यूजिंग एंड रीसाइकलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जिसे हम कहते हैं थ्री आर थर्ड है द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस शड बी यूज टू मैन्युफैक्चर द सॉइल मैन्योर बाय डिपोजिटिंग इट अंडर द सॉइल एंड दे कैन बी यूज दस लैंड फिल्स तो आपको ये आंसर क्लियर है आपने इसी तरह से एग्जाम में लिखना है मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देती हूं वाई वाई डैमेज टू द ओजोन लेयर फॉर कंसर्न वॉट स्टेप्स आर बींग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज इसका आंसर वैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था क्विकली मैं आपको पढ़ देती हूँ द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव कवर for the earth it prevents harmful uv ra radiation uv rays from entering the earth as these rays are harmful and can result in skin cancer but air pollution like cfc's chlorofluorocarbons are the main reason for the depletion of the ozone layer too much of uv rays ultraviolet rays are harmful to us they are dangerous Cause of skin cancer, eye damage, cataract, weakened immune system in animals. These radiations are harmful for plants also, as they affect photosynthesis and destroy planktons and decomposers. These are the reasons which are a cause of concern. Cause for concern. As a step to limit limit this, as a step to limit this. मेनी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज है डायरेक्शन ऑफ यू एन ई पी यूएन ई पी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज और लिमिट प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ क्लोरो फ्लोरोबन आपको ये क्लियर हो गया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसमें कवर कर दिए हैं आप इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये फाइव मार्क्स का है इसी से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कंपेरिटिवली ये इजी लेसन है क्योंकि ताकि इसमें आपको फुल फाइव मार्क्स आ गए क्योंकि बाकी तो चैप्टर्स आपके डिफ़िकल्ट तो इसको पढ़िए बहुत अच्छे से स्कोर कीजिए लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है चैनल सब्सक्राइब करना है लाइक करना है शेयर करना है मेरा जो अगला वीडियो है इन्वायरमेंट सीरीज का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमारिकल्स आप समझ रहे हैं बायो के न्यूमारिकल्स टेन परसेंट लॉ इसके न्यूमारिकल्स हम करेंगे तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक आप क्विकली इसको फिनिश कीजिए